आज बीजेपी ने पूरे देश के सामने तीसरा सरप्राइज रखा है और वो सरप्राइज था राजस्थान का नया मुख्यमंत्री का नाम। इसलिए लोग अब जैसे कल मोहन यादव को गूगल पर सर्च कर रहे थे, आज लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भजन लाल शर्मा कौन है। अब इसका असर क्या होगा? दो तीन बातें हैं। आज इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत खुश हैं और बड़े बड़े नेता निराश हैं। सीजन नेताओं का जो सीजन है अब समाप्त हो गया और कार्यकर्ताओं में से जो निकले हुए नेता हैं उनका सीजन अब शुरू होता है। आज हम आपको यह भी बताएंगे कि वसुंधरा राजे सिंधिया आज कितनी दुखी दिखाई दी, कितनी निराश दिखाई दी, क्योंकि आज राजस्थान में एक तरह से वसुंधरा का युग समाप्त हो गया। लेकिन वसुंधरा के हाथ में राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम की चिट थी और जब उन्होंने अपनी मुट्ठी खोली, मुट्ठी में जब खोली उन्होंने और जब नाम देखा तो क्या हुआ, आज हम आपको ये बताएंगे। इसी तरह शिवराज का राज भी मध्य प्रदेश में समाप्त हो गया और आज उन्होंने भी एक बड़ा भावुक बयान दिया है, वो बयान भी हम आपको दिखाएंगे और साथ ही ये बताएंगे कि जो कुछ इन तीन राज्यों में बीजेपी ने किया है क्या यही मोदी की सोशल इंजीनियरिंग है और मोदी की इस सोशल इंजीनियरिंग से 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कितना फायदा होगा। सोशल इंजीनियरिंग के बाद आपको मायावती की फैमिली इंजीनियरिंग दिखाएंगे, क्योंकि मायावती ने अब अपने भतीजे को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। एक जमाना था जब काशीराम ने यह कहा था कि वो बहुजन समाज के लिए अपने परिवार को छोड़ देंगे, लेकिन आज मायावती ने ठीक उसका उलट किया और उन्होंने लंदन में पढ़े हुए अपने भतीजे को अपना उत्तराधिकारी और पार्टी में सबसे बड़ा पद भी उन्हें दे दिया है। जो लोग दलितों की राजनीति करते हैं, दलित गरीब दलितों की राजनीति, गरीब दलितों के उत्थान की राजनीति, लेकिन क्या अमीर दलित भी इसमें शामिल हैं? क्या करोड़पति दलित भी इसमें शामिल हैं? क्या एक करोड़पति दलित युवा गरीब दलितों की बात कर सकता है? और इस दौरान आप एक और करोड़पति दलित को तो भूल ही गए, उनका नाम है धीरज साहू, ये भी एक दलित हैं जिनके यहां 350 करोड़ रुपए कैश में मिले हैं। और आखिर में आपके सेहत से जुड़ी एक छोटी सी खबर आपको बताएंगे, अगर आप क्रैश डाइटिंग करते हैं पतला दिखने के लिए, आपको कहीं शादी में जाना है, किसी और अच्छे मौके पर जाना है और लोग कई कई दिन हफ्ते तक क्रैश डाइटिंग करते हैं तो उन्हें सावधान हो जाने की आवश्यकता है। तो आज मिलते हैं आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में, आज तक।